प्रागैतिहासिक काल मानव कहानी को एक शुरुआती जीवांत रूप देता है। इतिहासकार इस बात पर सहमत हैं कि मनुष्य लगभग 1 मिलियन वर्ष पुराना है, फिर भी उसने 5000 साल पहले तक पढ़ना लिखना शुरू नहीं किया था, यानी वह पशु समान कार्यरत था। 1.5 लाख साल पहले ऐसे मनुष्य थे जिनके कंकाल हमारे मानव कंकाल से बहुत मिलते जुलते थे। वे हमारी तरह घूमते फिरते थे, उनका आहार हमारे आहार जैसा ही था। उनमें से कुछ की खोपड़ी हमारे पूर्वजों के मस्तिष्क से काफी बड़े मस्तिष्क लिए हुए थे, लेकिन सबके बड़े मस्तिष्क भी हमारी मस्तिष्क से काफी छोटे थे। इस समय मनुष्य अफ्रीका से यूरेशिया की यात्रा करने लगे। बड़े मस्तिष्क वाले बच्चों को ज्यादा भोजन की जरूरत होती थी, शायद इतना ज्यादा भोजन जितनी माताएं खुद ना पा सके, भले ही वे एक दूसरे की मदद करें। इसीलिए ऐसा लगता है कि नर परिवार के समूह में माताओं और बच्चों के साथ रहते थे, भोजन खोजने और शिकारियों से लड़ने में मदद करते थे। कई वैज्ञानिक तर्क देते हैं कि इन मनुष्यों में हम जिस तरह का सहयोग और संस्कृति देखते हैं, उससे पता चलता है कि उनके पास पहले से ही भाषा थी, लेकिन यह हमारी इस्तेमाल की जाने वाली भाषा से कहीं ज्यादा सरल हो सकती थी। यानी इस तथ्य के बावजूद प्रागैतिहासिक मनुष्य ने कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं छोड़ा है। उन्होंने अनजाने में हमें अपने जीवन के तरीकों के बारे में ज्ञान छोड़ दिया, जिसकी व्याख्या विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा की गई है। वैज्ञानिकों के मुताबिक मानव विकास एक लंबी प्रक्रिया है, जिसके द्वारा मनुष्य अपने बानर जैसे पूर्वजों से विकसित हुआ है। वैज्ञानिक डेटा से पता चलता है कि सभी मनुष्यों के समान शारीरिक और व्यवहारिक संबंधी विशेषताएं बानर जैसे पूर्वजों से 6 मिलियन वर्ष की अवधि में विकसित हुए हैं। द्विपादवाद या दो पैरों पर चलने की क्षमता सबसे प्रारंभिक परिभाषित मानव विशेषताओं में से एक है, जो लगभग 4 मिलियन वर्ष पहले उभरी थी। अन्य आवश्यक मानवीय विशेषताएं जैसे कि एक बड़ा और जटिल मस्तिष्क, उपकरण बनाने और उपयोग करने की क्षमता और संवाद करने की क्षमता हाल में ही उभरी थी। कई उन्नत विशेषताएं जैसे कि समृद्ध प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति, कला और विस्तृत सांस्कृतिक विविधता केवल पिछले 10,000 वर्षों में उभरी थी। मनुष्य प्राइमेट जीव है, शारीरिक और आनुवंशिक समानताएं समकालीन मानव प्रजाति होमो सेपियंस और प्राइमेट मानव प्रजातियों के एक अन्य समूह बानरों के बीच एक करीब संबंध को प्रकट करती है। मनुष्य और अफ्रीका के बड़े बानरों जैसे कि चिंपांजी, बोनोबोस और गोरिल्ला का एक समान पूर्वज है, जो 8 से 6 मिलियन वर्ष पहले रहता था। मनुष्य की उत्पत्ति अफ्रीका में हुई और मानव विकास का अधिकांश समय वहीं पर बिता है। 6 से 2 मिलियन वर्ष पुराने प्रारंभिक मानव जीवाश्म विशेष रूप से अफ्रीका से आते हैं। भौतिक मानव जीवाश्म विज्ञानी, पुरातत्वविद और अन्य वैज्ञानिक उनमें से हैं, जिन्होंने लिखित इतिहास शुरू होने से पहले क्या हुआ था यह पता लगाना उनकी जिम्मेदारी थी। उनके मुताबिक सभी जीवित प्रजातियों में मनुष्य में सबसे अच्छी विशेषता और गुण हैं। यह एक ऐसी प्रजाति है जिसके पास अन्य सभी प्रजातियों को नियंत्रित करने का ज्ञान और बुद्धि है। यह एकमात्र ऐसी प्रजाति है जो तर्क और तर्क संगत विचार करने में सक्षम है। मानव विकास ने कई रूप धारण किए हैं, लेकिन मानवता के साथ अलग अलग कालखंड में सबसे अलग है। यह ध्यान देने योग्य है कि जीवाश्म विज्ञान एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें नई खोजें होती रहती है, इसीलिए समय रेखा की विशिष्टताएं भविष्य में बदल सकती है, जबकि समग्र योजना आमतौर पर समझी और स्वीकारी जाती है। हेलो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें व हमारी वीडियो को लाइक व शेयर करें।